मैं जब यहाँ पे आया तो एडमिट किया तब तक मेरे को होश था। बाद में एडमिट के बाद एक वॉमिटिंग हुआ, बाद में मेरा होश चला गया, यानी कोमा में ही डायरेक्ट चला गया। बाद में मालूम ही नहीं है क्या हुआ। मेरे हस्बैंड 18 दिन तक वो कोमा में थे। मैं जब यहाँ पे आया तो एडमिट किया तब तक मेरे को होश था। बाद में एडमिट के बाद एक वॉमिटिंग हुआ, बाद में मेरा होश चला गया, यानी कोमा में ही डायरेक्ट चला गया। बाद में मालूम ही नहीं है क्या हुआ। कहीं और जाओगे तो शायद बचने के केसेस कम है, तो हमने उनके विश्वास पर जो काम किया, यहाँ पर 1 महीना रुके जो हम यहाँ पे, और सर के कहने पर जो जो उन्होंने कहा वो सब किया। मेरे हस्बैंड 18 दिन तक वो कोमा में थे। ऐसे थोड़ा सा हल्का सा मालूम गिरता था क्या मूवमेंट हो रहा है, लेकिन टोटल कोमा में था। उसके बाद 18 दिन के बाद मेरे को थोड़ा हाथ पांव हिला, आँख खुली बंद हो गई, उतना सब मालूम है मेरे को। वो मूवी वूवी लोग ने उतारा। हे मनु मनु आख, हाँ जो जो खोलो, आखो आखो खोलो 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 आखो खोलो, हाँ खोलो खोलो आखो। हाँ, तो अपने दवा के साथ दुआ भी की, उन्होंने मुझे दुआ करने के लिए परमिशन आईसीयू में दिया। 1 महीना में कंटिन्यूस 2 टाइम उनके साथ पास बैठकर पाठ किया करती थी। दवा सर की दवा थी और मेरी दुआ थी, सबने दुआ की, सर ने भी उतनी ही दुआ की हमारे उसके हॉस्पिटल मेरे हस्बैंड के लिए। और वो कोमा से हमको जो उम्मीद नहीं थी, वो उम्मीद उन्होंने हमें जो जगाई, वो हमारे लिए मतलब उसके लिए कोई शब्द नहीं। आज मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को नई दुनिया उन्होंने दी है, नया मतलब जन्म दिया है। हाथ ऊंचो करो, आँखों करो, हाँ आँखों ऊंचो करो, करो नीचे करो, नीचे करो, अबे नीचे मुको मुको, नीचे नीचे मुकी दो, हाथ नीचे मुको मुको नीचे। उतारा, बाद में मेरे को वेंटिलेटर से निकाल के अपना इसमें डाल दिया रूम में, और उधर 10-12 दिन रखा, यानी 1 महीने का मेरा कंप्लीट हो गया। बाद में मेरे को ओके लगा, चलने लगा थोड़ा, बाद में मेरे को छुट्टी दिया। जो सामने आओ, हमारी पास आओ, आओ हमारी पास आओ, कि मेरे हस्बैंड को नई दुनिया उन्होंने दी है, नया मतलब जन्म दिया है। मैं तो डॉक्टर सर के लिए बहुत ही, उनके पास मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनको क्या कह के बुलाऊँ, भगवान कह के बुलाऊँ, क्या कह के बुलाऊँ। आज मेरे बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, उन सब के लिए, उनके पापा आज जिंदा है, वही उनके लिए बेटर है। हाँ, पहला मेरा ड्रिंक्स और स्मोक था, वो सब अभी कम्प्लीटली बंदी है। वेरी गुड, आपको एक दूसरा जिंदगी मिला, नया जिंदगी मिला, बराबर बोला। थैंक यू वेलकम। अगर पेशेंट आते हैं तो सर उम्मीद के साथ उन सर पर जो कहते हैं उसके साथ विश्वास से उनकी बात सुनो, वो जो कहते हैं वो करो, तो सब अपना सब बराबर ही होता है। थैंक यू सर।